हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के स्टार अजय देवगन एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अजय देवगन का इस मूवी के बारे में ये कहना है कि ये उनके कैरियर की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक मूवी है, इसलिए अजय देवगन के फैंस इस मूवी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की मूवी मैदान के बारे में। तो चले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मूवी कॉर्नर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें मैदान के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्शन अमित शर्मा ने दी है। दोस्तों इसके साथ साथ हमें इस मूवी में लोकेशंस बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस मूवी को मुंबई और महाराष्ट्र में शूट किया गया है। और तो और दोस्तों, ये मूवी जी स्टूडियो के बैनर तले बनाई गई है। दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की, तो ये मूवी 100 करोड़ के बड़े बजट पर बनाई गई है। तो दोस्तों 1 बिलियन के बजट पर बनाई जाने वाली मूवी मैदान के अगर स्टार कास्ट की बात करें, तो उसके अंदर अजय देवगन का साथ देंगी प्रिया मानी और उसके साथ साथ होंगे गजराज राव। दोस्तों इस मूवी में आपको बायोग्राफी, स्पोर्ट, हिस्ट्री और ड्रामा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो दोस्तों ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बनाई गई है। ये मूवी फुटबॉल से रिलेटेड है। दोस्तों इस मूवी को इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर सैयद अब्दुल रहीम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है। दोस्तों ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज होगी। इसके साथ साथ इस मूवी के रनिंग टाइम की बात की जाए, तो इस मूवी का रनिंग टाइम काउंट किया गया है 2 hours 10 minutes। दोस्तों अब चलते हैं कि ये मैदान मूवी मैदान में कब आएगी, यानी ये मूवी कब रिलीज होगी। तो दोस्तों इस मूवी को June 23, 2023 को वर्ल्ड वाइडली रिलीज किया जाएगा, यानी 23 June को अजय देवगन की मूवी थिएटर में धमाल मचा के रखेगी और सिनेमा घरों की जीनत बनी होगी। दोस्तों क्या आप भी मेरी तरह अजय देवगन के फैन हैं, और आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन बना पाएगी? अपना आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।